भाई ये है द वेरी फेमस तिवारी की राज कचौड़ी, और इसका साइज देखो यार, मतलब लिटरली मैं दिल्ली का बंदा हूँ, छोले भटूरे हमारे रग रग में रहते हैं, बट ये भटूरा देख के मैं भी हैरान हूँ। मतलब क्या बताऊँ, मतलब पूरा पैकेज है, इट्स जस्ट डेलीशियस। ये पीछे वाला जो नाम है कोलकाता के लिए बहुत आइकॉनिक है, बड़ा बाजार में हम लोग, जो कोलकाता की बिगेस्ट मार्केट है, और यहाँ पे हम लोग खाने वाले हैं तिवारी की फेमस राज कचौड़ी, छोले भटूरे, छोले और टिक्की और बहुत सारी और चीज़ें, इनकी आइकॉनिक काजू कतली इतनी मोटी, मज़ा आने वाला है। वीडियो एंड तक देखना, वेजी बाजी कोलकाता की इस सीरीज का वन ऑफ द स्पेशल एपिसोड्स है, लेट्स बिगिन। ये राज कचौड़ी आपकी बहुत फेमस है, आई थिंक तिवारी की राज कचौड़ी, ये बहुत बड़ा साइज बनता है इसमें, राज कचौड़ी ऐसे बोलते हैं, ये कचौड़ियों का राजा, इसमें सारी चीज़ें पड़ती है एक तरीके से, मोट आलू पकौड़े पापड़ी। अच्छा, और ये क्या मतलब, एक प्लेट से बंदे का पूरा पेट भर जाएगा ऐसा? भर जाएगा। यहाँ पे लोग आते हैं, मेरे को बताया हुआ है कोलकाता में बड़ा बाजार में जब आते हैं तो तिवारी की राज कचौड़ी तो खाते ही है, तो इसमें ना कचौड़ी में पापड़ी पड़ी, इसके अंदर मोठ पड़ी, बहुत सारी और चीज़ें पड़ी, भल्ला पड़ा, और ये देख रहा साइज देख रहा मैसिव। क्या प्राइस रहता है इसका, क्या दाम रहता है? 120 रुपये। मतलब पहली बार कोई बंदा कोलकाता है, चाट खाने का मन करे तो तिवारी की राज कचौड़ी ऐसी है कि बिना छोड़े जा नहीं सकते आप, लगेगा नहीं कि कोलकाता आए तो पूरा पूरा होगा रेट में। तो ये लगी है हमारी लगी चमन। फेमस वाली राज कचौड़ी तिवारी की, अब इसको टेस्ट करते हैं, मेरे से वेट नहीं हो रहा, बड़ा बाजार की स्पेशलिटी है, दीजिएगा। अब यहाँ पे बाकी लोग अपनी अपनी पसंद की चीज़ें लगवा रहे हैं, और जैसे बोलते हैं ना कि भाई राज कचौड़ी नाम से राजा है, चाट की राजा, ये बिल्कुल वो ही लग रहा है भाई, इतना हैवी है, इसके अंदर सब कुछ डाल रखा है, एक बड़ी सी मतलब इस एक राज कचौड़ी में 10 गोलगप्पे के साइज आते हैं, इतना बड़ा है, और इसके अंदर सारी दुनिया भर की पापड़ी चाट, भल्ले, मोठ, ये वो, दही से लोड कर दिया, चटनियाँ डाल दिया, ऊपर सेब डाल दिया, धनिया डाल दिया, ट्राई करते हैं इसको। भाई ये है द वेरी फेमस तिवारी की राज कचौड़ी, और इसका साइज देखो यार, मतलब लिटरली ये देखो, मतलब ये मेरे आधे चेहरे के तो बराबर की होगी। इसको खाने का भी एक अंदाज है कि पूरा ऐसे इसको क्रश कर दो और यहाँ से यू टेक इट, ये लो, ये हमने ओपनिंग बना लिया इसकी। अगर ये चीज़ जो है ना मैं पैक करवा के पापा के लिए लेके जाऊँ ना तो पापा खुश हो जाएंगे, क्योंकि पापा की फेवरेट चाट है राज कचौड़ी, और मैं बता रहा हूँ मैंने अभी तक जो भी राज कचौड़ियाँ खाई है ना, ऐसी मेरा नहीं ख्याल मैंने कहीं और खाई होगी। फर्स्ट बाइट ऑफ सुपर फेमस तिवारी की बड़ा बाजार की कोलकाता की राज कचौड़ी, जिस चीज़ को पूरा शहर जिस चीज़ की तारीफ कर रहा है कोई तो बात होगी उसमें, एक्सीलेंट टेस्ट, मज़ा आ गया। दही इतना परफेक्ट, छोले, आलू, पापड़ी का क्रंच, ये देखो ये इसके अंदर जो दाल डाल रखी है और बहुत सारी चीज़ें, भल्ले की सॉफ्टनेस, राज कचौड़ी की आउटर कवरिंग का क्रंच, सो मच फ्लेवर, सो मेनी फ्लेवर्स, चटपटा, मज़ा आ रहा है, जस्ट आप इसको खा सकते ना मेरे साथ, मज़ा आता है। लवली तिवारी राज कचौड़ी, सुपर डुपर हिट। ये हो गया वीडियो की शुरुआत, चाट, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, लेंगे छोला टिक्की और छोला भटूरा, बंगाली में छोला बोलते हैं, हम लोग छोले बोलते हैं, यहाँ पे छोला बोलते हैं, वेन इन रोम डू एज रोमन्स डू, एक छोला टिक्की और छोला भटूरा लेते हैं, आ जाओ। ये हम लोगों ने ना इनको रिक्वेस्ट करके इनका सिंगल पीस भटूरा लिया है, वरना ये एक प्लेट आती है, और ये कोलकाता में छोले भटूरे खाने मतलब तिवारी, ऐसा नाम बड़ा प्रसिद्ध है, बड़े बड़े साइज के भटूरे निकलते हैं, और वो वहाँ पे देखिए छोले की प्लेट हमारी लग चुकी है, ट्रे में छोले सज चुके हैं, उस पर अभी थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं, चलो ये देख लो छोले। ओ भाई क्या साइज निकला है भटूरे का, एक है तो चलो छोले भटूरे भी ले लिए, और एक ना टिक्की भी लगा दीजिए यहाँ पे, खस्ता टिक्की रहती है, अच्छा अंदर मटर रहता है टिक्की के अंदर, मटर की मसाले रहते हैं, मटर का मसाला रहता है, टिक्की को ऐसे एकदम तोड़ा और उसके अंदर फिर वो छोले डालेंगे, छोले टिक्की, टिक्की एक पीस से आती है, कैसे आता है? एक टिक्की आती है, वो अपने आप में बंदा खाए तो उसका पूरा पेट भर जाए, वजन होता है टिक्की में, और ये टिक्की में चटनी भी पड़ती है सौंठ की, और ये मतलब बंदा आए यहाँ पे मिठाई ले, जितने में मिठाई बन रही है, और ये चाट चूट की चीज़ें खा के जाए, तिवारी का भाई यही मज़ा है खाने का, और ये कोलकाता है तो भाई सेब तो डलेगा ही, और धनिया से तो कोई डिश कंप्लीट होए इंडियन ना, तो ऐसा हो नहीं सकता। भटूरे का साइज देख लो, जस्ट लुक एट द साइज ऑफ दिस भटूरा,
मैं दिल्ली का बंदा हूँ, छोले भटूरे हमारे रग रग में रहते हैं, बट ये भटूरा देख के मैं भी हैरान हो गया हूँ। आ जाओ खाते हैं भाई। सबसे पहले क्या ट्राई करें, इन पिन सेफ्टी पिन, छोले भटूरे पहले बने थे तो छोले से ट्राई करते हैं। इनके ना छोले थोड़े से वैसे लग रहे हैं जैसे भंडारे स्टाइल होते हैं ना, थोड़े ऐसे एक्सपेक्टेशन आ रही है कि कम स्पाइसेस वाले होंगे। लेट्स ट्राई कैसे होंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा जैसे देखने में लग रहे हैं, बट भाई कोलकाता में किसी से भी पूछेंगे ना छोले भटूरे का टेस्ट, बोलेंगे तिवारी के। कोलकाता वालों को दे स्वेयर बाय तिवारी के छोले भटूरे, ऐसा बहुत बढ़िया भटूरे, एकदम डाइट और छोले माइल्ड। ये कोलकाता के छोले नहीं, छोला है, अलग टेस्ट है। और अब ये ट्राई करते हैं टिक्की। टिक्की तो पहले आपको अंदर से दिखाता हूँ, ये देखो मटर वाली टिक्की है, उस पर छोले पड़े हैं, चटनी पड़ी है, फिर सेब पड़ा है, क्योंकि आप कोलकाता में हैं। कोलकाता में ना सेब स्पेशली बड़ा बाजार, जहाँ पे मारवाड़ी लोग ज़्यादा है, सेब का चलन बहुत है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। छोले टिक्की तिवारी की, फूड ना सब्जेक्टिव ओपिनियन होता है, जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी शायद आपको इतनी अच्छी ना लगे, एंड वाइस वर्सा। मेरे को ये छोले टिक्की बहुत बढ़िया लगी, मतलब जैसे क्या, मतलब इन्होंने ना ऊपर से चटनियाँ वटनियाँ भी डाल रखी है, एकदम मस्त हो चुका है। स्मूथ कॉम्बिनेशन ऑफ टिक्की, छोले एंड अंदर जो स्टफिंग वफिंग कर रखी है ना, मतलब क्या बताऊँ, मतलब पूरा पैकेज है, इट्स जस्ट डेलीशियस। अब तिवारी पे काम की बात करेंगे, जो लोग दैट पीपल एक्चुअली डू, यहाँ पे आके मिठाइयाँ खा के जाते हैं, काजू कतली इनकी और इनकी कुल्फी, लेट्स ईट दैट, वो खाते हैं भाई। तिवारी पे आए हैं, मन कर रहा है सब कुछ खा लूँ, पर पेट भी तो एक ही है ना, अपना ही है, जो खा पाएंगे सब खाएंगे भाई। ये वाला जो, ये जो प्लेट है ना, दिस प्लेट इज जिसके लिए लोग तिवारी आते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ऑर्डर समझिए आप क्रोनोलॉजी समझिए। बंदा आता है मिठाई लेने, फिर उसको होता है यार चाट वाट दिखता है, कचौड़ी नाम सुना है राज कचौड़ी का, तो राज कचौड़ी खाता है, इतने मिठाइयाँ पैक हो रही होती है, फिर जाते जाते कुल्फी लेते हुए जाता है, तो हम लोग भी सारी वही चीज़ें करने वाले हैं। अभी क्या करेंगे, तिवारी की ना 6 मिठाइयाँ खाएंगे 30 सेकंड में, आपको फटाफट टेस्ट बताएंगे। मलाईदार काजू कतली, काजू अंजीर वाली मिठाई भाई, इतनी थिकनेस वाले कट है, बहुत टेस्टी लड्डू, पूरा देसी घी का टेस्ट आ रहा है, सारी मिठाइयाँ इनकी देसी घी में बनती है। मेरी फेवरेट सोन पापड़ी, क्या टेस्ट है। और ये काजू रोल, अंदर तक स्टफिंग हो रखी है आई थिंक पिस्ते की, सो गुड। इमरती की एक बाइट लेते हैं, लव इट भाई, मिठाइयाँ इनकी फुल अप्रूव्ड है, नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। वेजी भाजी पे आप लोगों से सजेशन पूछ रहे थे, कोलकाता की मिठाइयाँ बेस्ट कहाँ मिलती है, तिवारी इतना नाम आया, इतना नाम आया कि हम लोग आना पड़ा। अब एंड करते हैं वीडियो को इनकी मलाई कुल्फी के साथ, आ जाओ लेट्स गो। अब भाई टाइम आ गया वीडियो को एंड करने का, ये निकालिए कुल्फी, ये बर्फ़ का वो नमक वाला पानी होगा ना इसमें, बढ़िया ठंडा रहता है, एक फलूदा बनाइएगा अपने आप को बचाने के लिए, ये कुल्फी तो लगती है। अब ट्रिप होगी ना पूरी बड़ा बाजार की, जब ये कुल्फी खा लेंगे हम, ये हम लोग ले रहे हैं फलूदा के साथ, आप प्लेन भी ले सकते हैं कुल्फी, कुल्फी फलूदा। टाइम टू एंड दिस वीडियो, लेट्स बिगिन। चलो भाई साथ में खाएंगे हम लोग कुल्फी फलूदा। भाई ये तिवारी जगह मुझे बड़ी पसंद आई, वो होती है ना जैसे दुकानें, तिवारी बात हो रही थी, ये चांदनी चौक वाले का ही ब्रांच है। अच्छा, ये चांदनी चौक मुंबई और कोलकाता आई थिंक तीन इनके वो है, कोलकाता मुंबई वाला पता नहीं भाई, दिल्ली वाले तो बता रहे थे अभी। चलो मतलब ये गर्मी में मजा आ गया भैया, वो मीम है ना, कोई तो मीम है, कौन सा मीम है, ये एक और मीम था, एनीवे वो मीम है ना, आप क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी ये है, पहले आके इनकी राज कचौड़ी खाइए, कुछ स्नैक्स नूक्स खाइए, इतने मिठाई का ऑर्डर दीजिए, जब तक मिठाई पैक होगी जाते जाते कुल्फी खाते हुए चले जाइए, तो बड़ा बाजार आए हो तो पूरा वसूल करो बहुत ट्रिप को। दूसरा वाला मीम है वो मीम है ना, वो न्यूज़ रिपोर्टर वाला, वो एक वो आपने मीम देखा हुआ है, वो बंदा वीडियो बनाने की कोशिश करता है, फिर लोग लाइन कट करके जाते हैं, फिर लोग कट करके जाते हैं, वो वाला मीम यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा होगा। बहुत नाइस, मेरे बहुत पसंद आई तिवारी, जगह बहुत पसंद आई, और बड़ा बाजार कोलकाता में ऐसी चीज़ है कि आपको ना बस हिम्मत जुटानी पड़ेगी यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि भीड़ बहुत होती है, भीड़ होती है बट टेस्टी, अगर आप हिम्मत जुटा लो तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। हम लोग संडे वाले दिन आए,
तो 50% क्राउड है। मंडे को आओ तो पैर रखने की जगह नहीं होती। लव्ड इट तिवारी ब्रदर्स, वेजी बाजी अप्रूव्ड, मज़ा आया। किसी और जगह पे मिलेंगे कुछ और बढ़िया खाना खाते हुए। सब कुछ वेजिटेरियन होता है वेजी बाजी पे, अलग अलग शहरों का बढ़िया बढ़िया खाना डेली आता है। बाय बाय।